हेलो 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 दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। मैं हूँ रावण और मैं आ गया हूँ फिर से पिक्सल मॉन में, और ये है मेरा नया घर। आप लोगों ने अगर मेरा स्ट्रीम्स नहीं देखा है तो आप लोगों को प्रॉबेबली पता भी नहीं चलेगा कि क्या है ये। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं अपना घर दिखाता हूँ आप लोग को दोस्तों। तो इससे पहले ये है मेरा बेसमेंट, सारे बॉक्सेस, सारे मैंने अपने जो चीज़ें हैं सब कुछ मैंने नीचे यहाँ पे डाल दिया है, इंक्लूडिंग द एंडर चेस्ट और ट्रेडिंग के सामान और हीलर वीलर सब कुछ मैंने यहाँ पे नीचे डाल दिया है। ओके, तो यहाँ से ऊपर जाते ही यहाँ पे देख सकते हो ये है मेन एंट्रेंस मेरा घर, या लेफ्ट साइड में, या लेफ्ट साइड, ओके ये साइड में आप देख सकते हो कि मैंने एक ड्रैगनाइट पकड़ लिया और वेलमोर भी। वेलमोर को मैंने यहाँ पे क्यों रखा मेरे को नहीं पता। ऑलराइट, तो ये है मेरा नया घर दोस्तों, कैसे लग रहा है। पैम। ऑलराइट, तो ये है मेरा नया घर, इसको मैंने इंटीरियर भी बहुत अच्छी तरीके से बनवाया है, बनाया तो नहीं है मैंने। या ऑलराइट, तो मेरा ग्रीन स्क्रीन आप देख सकते हो थोड़ा बहुत यहाँ पे पिक्सेलेटेड ऐसे दिख रहा होगा। ऐसे हो रहा है क्योंकि मैंने ग्रीन शर्ट पहना और मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन है उसके वजह से। तो यहाँ पे मैं चैट्स को एकदम ही डिसेबल कर देता हूँ दोस्तों। ओके, तो चलिए अंदर चलते हैं, इंटीरियर दिखाता हूँ। तो ये है मेरा घर, साइड से देखोगे ये ऐसा दिखेगा, और इस तरफ से देखेगा तो ऐसे दिखेगा। ऑलराइट, तो ये है एंट्रेंस। एंट्रेंस से पहले यहाँ पे एक नया अच्छा सा कॉरिडोर मैंने बना के रखा है। ओके, एंटर होते ही आप लोग देखेंगे, बूम, ये है लिविंग रूम दोस्तों। यहाँ पे एक छोटा सा प्लेस है जहाँ बैठ सकते हैं, या एक्चुअली यहाँ पे एक पिकल करके एक बंदा है, अभी नहीं है वो ऑनलाइन, वो पिकल करके है, वो घर और इंटीरियर बनाने में बहुत माहिर है, तो उससे मैंने बनाया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों नहीं देख रहा और वहाँ देख के बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग का यहाँ दिख रहा है, सो बीच बीच में वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग का देखता रहता हूँ। सो ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरे घर वर बैठने का प्लेस है, यहाँ पे एक टीवी सोच लो या फिर फायर प्लेस सोच लो, ऐसे कुछ बनाया। ये तो मैंने ही बनाया है, ये सब पिकल ने बनाया है, इंटीरियर पूरा पिकल ने बनाया और बाहर पूरा घर पूरा मैंने बनाया है दोस्तों। स्ट्रीम देख सकते हो आप लोग, स्ट्रीम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें मैं घर बना रहा था। जहाँ से यहाँ पे एक पॉट एरिया है, यहाँ पे डिनर टेबल के तरह यहाँ पे है, और ये जो चेयर्स है ये पिक्सल मोड में अवेलेबल है, इसमें आप बैठ सकते हो चाहिए तो। यप, एंड यहाँ पे एक चेस्ट एरिया के तरह है छोटा सा, अगर चाहिए तो यहाँ पे कुछ सेव कर सकते हो। और ये है पहला फ्लोर, इस पर टोटली 3 फ्लोर से दिखाऊंगा सब कुछ। और ये है सेकेंड फ्लोर दोस्तों, यहाँ पे मैजिक होता है। यहाँ पे मेरा ऑफिस एरिया, यहाँ पे देख सकते हो बुक्स है, एम्प्टी बॉक्स है जहाँ मैं फाइल वाइल सब लगाने के लिए, लाइट्स है, लैंप्स बोल सकते हो आप लोग। और यहाँ पे थोड़ा अच्छा वार्म वार्म रखने के लिए रूम को, क्योंकि बाहर बाहर बहुत आइसी आइसी है, तो पूरा यहाँ पे वार्म रखने के लिए, यहाँ पे फर्नेस सब कुछ है, फ्यूरेंस सब कुछ। यहाँ पे मेरा कपड़े हैं, सोच लो कपड़ा है, सोच लो ये मैं रावण हूँ तो गोल्ड आर्मर है यहाँ पे। और यहाँ पे है बेड, यहाँ पे मैजिक होता है दोस्तों, दिस इज वेयर मैजिक हैपेंस। तो कैसा लग रहा है ये सब घर, कैसा लग रहा है। यहाँ पे एक और ऑफिस एरिया है, यहाँ पे डेस्क है देख सकते हो, यहाँ पे मैं सेव कर सकता हूँ चाहिए तो, एक और ऑफिस एरिया का टाइप है। सो ये है सेकेंड फ्लोर। और थर्ड फ्लोर में यहाँ पे मैं स्टोरेज एरिया बनाऊंगा, जो कि अपने आप से बना लूंगा मैं, तो ये सब मैं ही बना लूंगा। तो ये था मेरा नया घर दोस्तों। और कैसे लगा आप लोग को मेरा घर बता दीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे एकन ने आज सुबह लाइव स्ट्रीम किया है और उसने कुछ बनाया है दोस्तों, उसका दिखाता हूँ क्या बनाया उसने। अभी तक रेंडर हो जाना चाहिए, मैं यहाँ पे ये एरिया पे नहीं आया ना, उसके वजह से अभी तक रेंडर नहीं हुआ है। गिव मी अ मोमेंट, दिखाता आप लोगों को। ओह हेल नो, यहाँ पे एकन ने पूरी तरह एक जैपडोस का पुतला बना दिया है उसने, इसका स्ट्रीम किया आज सुबह ही, वो स्ट्रीम कर रहा था इसका। सो ये रहा एकन और वो रहा है जैपडोस, मस्त बनाया है इसने। ऑलराइट, तो एक्चुअली आज का मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ आप लोग सोच रहे होंगे, घर तो मैंने बना दिया, वीडियो में तो मैं नहीं दिखाऊंगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे क्यों।
अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट स्ट्रीम देखा है तो कुछ लोगों के वजह से, कुछ लोग जो अपना मुंह बंद नहीं रख पाए, सिर्फ देख के खुश नहीं हो पाए, उन लोगों ने बता दिया मेरे यहाँ, देखो अभी पूरा रेंडर होने के बाद यहाँ से भी दिख रहा है, तो उन लोगों ने स्ट्रीम में बता दिया कि मेरे पास एक म्यू है। यस गाइस, मेरे पास म्यू है दोस्तों। तो म्यू को बाहर निकालते हैं, उसको हम लोग इवॉल्व नहीं बोलते, मेरे को पता है, हम लोग इसको डीएनए स्प्लाइसर में डाल के डीएनए से ईट करवाएंगे। इसमें यहाँ पर ऑलरेडी लम्बेरी है, क्यों है मेरे को पता नहीं, जब मैंने म्यू को पकड़ा उसके साथ साथ आ गया था वो लम्बेरी जो है। ऑलराइट, तो ये नीचे का एरिया मेरे को पूरा क्लीन करना पड़ेगा। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, एफिशिएंसी 5 का शवल बना लेता हूँ और मैं मिलता आप लोग को ये एरिया पूरा क्लीन करके। वो म्यूटू का डीएनए का जो है वो भी लगा के, यही है डीएनए का क्लोनिंग मशीन, यही है क्लोनिंग मशीन। तो ये सब मैं लगा के अभी मिलता हूँ दोस्तों, ये नीचे का एरिया पूरा क्लीन करके मिलता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ यहाँ पे क्लीन कर दिया है। जैसे कि मेरे इन्वेंटरी में देख सकते हैं, एफिशिएंसी 5 का मैंने शवल यूज़ किया, ऑलमोस्ट वो एंड हो गया यहाँ पे। सो या, तो अभी टाइम है क्लोनिंग मशीन लगाने का। और मैंने रैंडम प्लेसेस पे ऐसे ग्लोस्टोन लगा दिया, जहाँ मेरे को डार्क एरिया लगा मैं बस ऐसे ही लगा दिया ग्राउंड पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे लगाता हूँ ये क्लोनिंग मशीन। ओ ये रहा, प्लेस हो गया। कैन आई पिक इट अप? यप, मैं इसको पिकअप भी कर सकता हूँ। ओके, तो कुछ तो है इसका, शायद मैं ज्यादा क्लोज टू द वॉल नहीं लगा सकता हूँ इसको। ओके, थोड़ा ये सेंटर में दिखेगा तो अच्छा भी दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे बोल रहा है इंसर्ट म्यू, और म्यू को कैसे इंसर्ट करना है, और सिर्फ राइट क्लिक कर देने का। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है बूस्ट करने के लिए डायमंड या फिर गोल्ड या फिर आयरन ब्लॉक्स यूज कर सकते हो आप लोग। सो मैं यहाँ पे, मेरे पास देख सकते हो आप लोग 11 डायमंड्स है। सो लेट अस यूज द डायमंड्स। जैसे कि देख सकते हो बूस्ट लेवल है 3 हो गया था और यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। लेट अस सी फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग को डिट्टो मिलेगा या फिर म्यू मिलेगा, पता चल जाएगा दोस्तों। तो मैं मास्टर बॉल यूज करूंगा अगर वो डिट्टो बन गया। ओके, अगर ये डिट्टो बना तो मैं नॉर्मल बॉल यूज कर लूंगा। तो ऑलराइट दोस्तों, मैंने डिट्टो को पकड़ लिया। जैसे कि देख सकते हो योर पार्टी इज फुल करके नीचे बोल रहा है यहाँ पे, और मेरा म्यू भी मेरे पास वापस आ गया है। सो लेट अस सी सेकंड अटेम्प्ट में हमको क्या मिलता है, कि म्यू मिलता है कि नहीं। और मैं एक बार अपना इन्वेंट्री चेक करना चाहता हूँ। इन्वेंट्री में मास्टर बॉल है, हाँ है। ऑलराइट, लेट अस इंसर्ट सम गोल्ड डायमंड ब्लॉक्स, और ये 3 हो गए, 3 बूट्स। ऑलराइट, होपफुली अभी हम लोगों को मिले म्यूटू ना कि डिट्टो। लेट अस सी, अगर नहीं मिला तो जब तक डिट्टो म्यूटू नहीं मिलता है तब तक मैं इसको करते ही रहूँगा प्रोसेस, डायमंड खरीदना पड़ेगा उसके लिए। ओके, एक और डिट्टो मिला है। ऑलराइट, तो मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से जब ये म्यूटू बन जाएगा, म्यूटू आएगा हम लोग। क्या मिल रहा है म्यूटू भाई, म्यूटू आ जा। यस, म्यूटू मिल गया दोस्तों हम लोगों को, फाइनली म्यूट्यू। ये थर्ड अटेम्प्ट था बाय द वे गाइस, विथ डायमंड ब्लॉक्स। और ये जब म्यूटू में बदलता है तो ये ब्रेक करके आ जाता है, तो मैं इससे फाइट करता हूँ। राइट, बैग, पोकी बॉल और मास्टर बॉल, जाके पकड़ो म्यूटू को। लेवल 80 का है म्यूटू बाय द वे गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे। ऑलराइट, मैंने म्यूटू को पकड़ लिया है दोस्तों, 68% आईवी का है। और ऊपर देख सकते हो वहाँ पे एडवांसमेंट भी हो गया है। जैसे कि देख सकते हो अभी ये हम लोग यूज नहीं कर सकते अभी ये मशीन को हम लोग, बिकॉज म्यूटू आ गया है। जैसे कि आप लोग एनिमे में देखे हो, म्यूटू जब जिंदा होता है वो लैब को तोड़ के ही आता है ऑलमोस्ट।
तो जैसे कि आप लोग ऊपर राइट लेफ्ट पे राइट आप लोग को ये कैसे लेफ्ट पे ही दिख रहा होगा, मेरा कैमरा मेरे को ऑपोजिट रहता है, ये मेरा लेफ्ट है एक्चुअली। सो या तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थर्ड में कि वहां पे मेरे पास म्यू भी है और मैंने अभी म्यूटू भी पकड़ लिया है, और ये रहा डिट्टो जो मैंने पकड़ा है, और देखता हूँ ये म्यूटू कहाँ चला गया। बेट जहां से मैंने म्यू को निकाला वहां पे म्यूटू चला गया होगा, तो एक काम करता हूँ म्यू को यहां लगा देता हूँ और म्यूटू को बाहर निकालता हूँ। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं म्यूटू, ये देखिए म्यूट्यू लेवल 80 का म्यूट्यू मिल गया है 200। पैम पैम पर पैम पैम, ये रहा। ओ ओके यहाँ पे मर जाएगा शायद ये। ओके बाहर स्नो हो रहा है, ऑलराइट। तो ये रहा दोस्तों म्यूट्यू, हम लोग को फाइनली म्यूट्यू मिल गया। मेरा फेवरेट पोकेमोन था म्यू और उससे मैंने बनाया है म्यूट्यू डीएनएस प्लेसर में। ओ ओ कराटे मूव, हां आ बॉय कराटे मूव करता है तू, हां यू वांट टू फाइट बॉय, यू वांट टू फाइट फाइट, हां हां प्रोबेबली मेरा चटनी बना देगा ये। ऑलराइट फाइनली कॉट एंड म्यूट्यू, तो चलते हैं। एकन यहां पे है, एक मिनट में म्यूट्यू के ऊपर राइड कर सकता हूं शायद, लेट अस चेक। ओ आई कैन, और ये सुपरमैन की तरह उड़ता है। हो हो हो, देखो दोस्तों सुपरमैन की तरह उड़ता है ये, नाइस। और ये देखे एकन कहां पे है, अपने जैपडोस के पास नहीं है ये। ओ इसमें फ्लाइट स्टेबिलिटी मस्त है दोस्तों। और यहाँ पे क्या स्पॉन हुआ है, ओ ये तो ठंडा वाला पोलर बेर है। अरे व्हाट अप दोस्तों, बस लग रहा है म्यूटू मिल गया मेरे को, मैं बहुत खुश हूँ। तो नेक्स्ट है, अभी ये वीडियो में मैं ब्रीडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। सो या बॉयस ये, ऑलराइट तो ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए चाहिए ब्रीडिंग मशीन, तो पहले मैं देखना चाहता हूँ कौन से पोकेमोन से मेरे पास, और उसके हिसाब से मैं इनको यहाँ अंदर ही ब्रीड कर सकता हूँ। थोड़ा एक फ्लोर डिग करके वहाँ पे मैं ब्रीड करवा दूंगा इन लोगों को। एंड सॉरी मेरा ग्रीन स्क्रीन थोड़ा मैसअप हो रहा क्योंकि मैं इतना हिल रहा था। सो ओके दोस्तों, इसमें हम लोग ब्रीडिंग का जो वो इंक्यूबेटर रहता है वो खरीदना ही पड़ता है हम लोगों को। पहले मैं ये सारे ब्लॉक्स को एक डायमंड में बदल देता हूँ और इनको एक चेस्ट में डाल देता हूँ ऐसे ही, क्योंकि ये सर्वर में कैसे भी डायमंड्स का कुछ वैल्यू नहीं है दोस्तों ऐसे। मैंने एक डिट्टो को मार दिया था तो उससे मेरे को मिला है शल्कर शेल और क्विक पाउडर मिला है मेरे को। सो लेट अस जंप इनटू दिस, और मैं जाके थोड़े इंक्यूबेटर्स खरीदता हूँ। और पहले कौन सा पोकेमोन को मैं ब्रीड करता हूँ, सिर्फ पहले एक तरह के पोकेमोन को मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि पिक्सल मोन में एक्चुअली कैसे रहता है, प्रॉबेबली आप लोगों को ऑलरेडी पता है। सो पहले मैं एक टाइप ऑफ पोकेमोन को करता हूँ, एक टाइप इन द सेंस हो सकता है बग, ग्रास और फायर हो सकता है, या फिर या और उसमें से मेल कौन सा है फीमेल कौन सा भी देखना पड़ता है। वेट नहीं मैं रुकता हूँ एक मिनट, देखता हूँ ठीक से देख के कौन सा पोकेमोन को करूँ मैं ब्रीडिंग, मैं सोचता हूँ उसके बारे में। तो हाँ मैं अभी मिलता हूँ इंक्यूबेटर से, सब खरीद के आता हूँ अभी। सो ऑलराइट गाइस, मैंने यहाँ पे ब्रीडिंग के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, जिसके हिसाब से एक ही एक ग्रुप के होने से कोई भी पोकेमोन को हम लोग कर सकते हैं ब्रीड। तो यहाँ पे मेरे पास है रैंच ब्लॉक, रैंच अपग्रेड और आइसिस गोल्डन आवर ग्लास, जिससे कि ब्रीडिंग का टाइम बढ़ता है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से लेके जैसे कि देख सकते हो बहुत ही फास्ट डिग हो रहा है, यहाँ से लेके पूरा डिग करता हूँ। क्या पता कौन से कितना कहाँ तक रहता है मेरे को पता नहीं है यहाँ पे एक्चुअली। सो ये पूरा डिग करके रैंच को यहाँ नीचे लगाऊंगा ना कि ऊपर, क्योंकि मैंने सुना है कि स्काई एक्सिस की तो जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन शायद तीन फ्लोर की
गैप होना जरूरी है। सो तो तीन हाइट का ग्रैप मैंने बना दिया, एक दो तीन चार, चार का बना लिया मैंने, तो विच इज ज़्यादा है जितना ज़रूरत है उससे। और ये प्लेस भी मैंने कुछ ज़्यादा ही मैंने डिग कर दिया है, वेरी डजंट मैटर कि जब ब्रीडिंग का रेंज मैं लगाऊंगा और उसके बाद देखूंगा कि कहाँ तक है, वहाँ तक मैं कवर कर दूंगा इसको। तो यहाँ से ये लाइन भी तोड़ देता हूँ एंड डन। तो आप लोग सोचे होंगे कि मैं यहाँ फास्ट फॉरवर्ड में किया, नहीं फास्ट फॉरवर्ड में कुछ नहीं किया। एक बार देखता हूँ यहाँ सेंटर में लगाता हूँ इसको, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह मतलब छः में लगा सकता हूँ चाहिए तो। और यहाँ ये कितना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, हाँ ये भी छः में लगा सकता हूँ। सो ऑलराइट, तो यहाँ से छः कितने, एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः, एक दो तीन चार पाँच और छः, और यहाँ पे मैंने लगा दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आउटलाइन, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग आउटलाइन, ये स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर यहाँ तक है, वेरी नाइस। तो लेट मी यूज द रैंच अपग्रेड एक्स, अच्छा यहां बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। मेरे को लगा कि अच्छा हाँ एक्स तो साइड होता है और वाई, ओके मेरा मैक्स को क्या हो गया मेरे को पता नहीं है, लेकिन या दिस इज इट गाइस। तो ये मेरा ब्रीडिंग एरिया बनेगा छोटा सा, ओके तो इसमें मेरे को चाहिए चारिजार्ड और सेप्टाइल। तो चारिजार्ड के लिए बेस्ट है फायर वाला लोकेशन, और सेप्टाइल जो कि है ग्रास टाइप, तो उसके लिए हम लोग को चाहिए ग्रास, कैरेट, पम्पकिन। पम्पकिन यूज करता हूँ मैं, या पम्पकिन और फायर प्लेस लगाने के लिए look at this dude. क्या बोलते हैं, हाँ फायर लगाने के लिए नेदर ब्लॉक लगाता हूँ, क्या बोलते हो दोस्तों। अरे तो मैं अभी नेदर ब्लॉक्स और फायर प्लेस लेके आता हूँ, सॉरी नेदर ब्लॉक और पम्पकिन लेके आता हूँ दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे हाथ में है एक पम्पकिन और एक नेदर रैक। तो इन लोग, इनसे मैं एक काम करता हूँ, जैको लैंटर्न बना लेता हूँ, ताकि यू नो जब जरूरत पड़े तो लाइट भी रहेगा दोस्तों वहाँ पे। इज़न्ट दैट गुड गाइस, या दैट इज गुड। तो यहाँ पे मैं एक तरफ लैंटर्न लगा लेता हूँ और सारे एक ही तरफ फेस करते हुए लगाता हूँ, ताकि यू नो। और गिव मी अ मोमेंट गाइस, मैं अभी आता हूँ चैट बंद करके। ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने चैट को कर दिया है ही नॉट रीडेबल। ऑलराइट, तो कुछ इस तरह से इनको भरना है, और यहाँ पे लाइटिंग भी हो जाएगी अच्छी तरीके से। Isn't that good guys? सिर्फ, और बाय द वे ये जो ब्रीडिंग का यहाँ पे है, ये सिर्फ मैं ही अगर ये अंदर आऊंगा तभी वो बाहर निकलेगा, तब तक वो बाहर भी नहीं निकलेगा दोस्तों। और ये गेम में फायर स्पीड ऑफ है, सो विच इज गुड। तो हाँ, तो फायर का प्रोबेबिलिटी है 3 और जैको लैंटर्न का है जैकोलैंटर्न ग्रास और बहुत सारी चीज़ों का है 3। मैंने जैकोलैंटर्न इसलिए यूज़ किया कि यहाँ पे लाइट तो हो जाएगी राइट, उसके वजह से। अरे यार, एक तो नेदर रैक है जो कि बहुत ही आसानी से टूट जाता है। ऑलराइट, एंड जैसे कि देख सकते हो पूरे मैंने यहाँ पे भर दिया है। होपफुली मैंने करेक्ट ही किया हो। एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से निकालता हूँ। या जहाँ पे मैंने रैंच ब्लॉक लगाया है वो मैटर नहीं करता है दोस्तों। सो
इट डजंट मैटर, तो या बीच में कौन सा भी ब्लॉक लगा दो, मैटर नहीं करेगा दोस्तों। तो ऑलराइट, तो अभी हम लोगों को चाहिए फ्लिंट एंड स्टील, इसको बस लिट करना है, बस हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अच्छा बॉक्स में से डायरेक्ट डाल सकता हूँ मैं, ओके मेरे को वो पता नहीं था। ओके तो मेरे को फ्लिंट एंड स्टील की भी जरूरत है, तो एक काम करता हूँ मैं बॉक्स में ही इनको यहाँ पे डाल देता हूँ, ताकि मेरे को यू नो याद रहे कि कहाँ पे कौन सा डाला है मैंने। ओके तो मैं फ्लिंट एंड स्टील ढूंढ के अभी आता हूँ दोस्त। ऑलराइट दोस्तों, तो मेरे को यहाँ पे फ्लिंट एंड स्टील मिल गया है। ये गेम में फायर स्प्रेड ऑफ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, होपफुली स्प्रेड ना हो। एंड या लेट्स जंप इनटू दिस ब्रीडिंग प्रोसेस। एक तरफ होगा चारी जेड, और एक तरफ होगा, ओ हाँ, अगर हम लोग अपने ही, हाँ अगर हम लोग अपने ही क्या बोलते हैं एरिया में है और जल रहे हैं तो मरेंगे पक्का, किसी और के एरिया में है तो नहीं मरेंगे। और वहां पे गोलम जियोड्यूड मर रहा है, वेल इट्स हिज वर्ल्ड, मैनेज पोकेमोन। तो एक तरफ जाएगा चारिजर्ड और एक तरफ जाएगा सेप्टायर। कहीं इन लोग ऊपर तो नहीं है, होपफुली नॉट। ओके तो इन लोग ऊपर आ गए हैं। ओके तो मेरे को यहाँ पे इसको रीअरेंज करना पड़ेगा दोस्तों, मैं अभी मिलता आप लोगों से और भी एक ब्लॉक नीचे करके। सो ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे इसको और दो फ्लोर्स नीचे कर दिया है, तो इसमें टाइम आता है अभी चारिजेड और सेप्टाइल को डालने का। ऑलराइट ओके तो चलिए देखते हैं। अभी मैंने चैट भी यहाँ पे ऑन करके रखा है, अपन को दिख जाएगा कि जब ये पोकेमोन्स का यू नो मूड बन रहा है थोड़ा ब्रीडिंग का, तब हम लोग को पता चल जाएगा। मैं अभी आप लोग को एक काम करता हूँ, अपना जो कैमरा का ये है मैं इसको उस तरफ कर देता हूँ और अभी मिलता हूँ दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, अगर आप लोग ठीक से देखेंगे आप लोग को थोड़ा बहुत लाइट वाइट कलर का कुछ ऐसे हार्ट्स निकलते हैं, वो उनके अंदर से दिख रहे होंगे आप लोगों को होपफुली। ओ वो देखिए आपको, हाँ वो देखिए सेप्टाइल से निकल रहा है और यहाँ पे चारिजर्ड से भी निकलना चाहिए। हाँ वो देखिए उसके विंग्स यहाँ पे आ रहे हैं इन द वे, बट आप लोग को दिख रहा होगा हार्ट। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो ये बोल रहा है देखिए कि सेप्टाइल फॉल्स मैडली इन लव विद चारिजर्ड एवरी सिंगल डे करके। सो या तो इस तरह से ब्रीडिंग होता है दोस्तों। तो ये प्रोबेबली 3-4 माइनक्राफ्ट दिन का टाइम लेगा, और आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने कैमरा यहाँ वहाँ कर दिया है। तो या तो मिलते हैं, अगर एक बार ब्रीडिंग खत्म हो गया अगर जल्दी, तो तब मैं मिलता हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए इनको ब्रीडिंग करने के लिए यहीं पे छोड़ देता हूँ और मैं भी यहाँ पे एएफके बैठ जाता हूँ दोस्तों। राइट दोस्तों, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इन लोगों का ब्रीडिंग खत्म होने वाला है। बहुत बहुत टाइम लगा, प्रोबेबली 1 आवर इन रियल टाइम लगा, क्योंकि मैं बीच में कहीं और चला गया था। मेरे को नहीं पता था कि अगर मैं दूर जाऊँगा तो ये रेंडरिंग नहीं होते और फिर से स्टार्ट हो जाते, ये नहीं पता था मेरे को। सो यहाँ पे ये 2 बार ऐसे ही रीस्टार्ट हो गए। सो अभी सेप्टाइलाइट का पूरा खत्म हो गया, सेप्टाइल का, सॉरी सेप्टाइलाइट नहीं है, सेप्टाइल है उसका नाम, और चारिजर्ड का है येल्लो में। तो येल्लो के बाद होता है रेड, जो कि अभी सेप्टाइल का ऑलरेडी रेड हो चुका है। तो चारिजर्ड का थोड़ा टाइम लगेगा,
और हाँ दोस्तों, आप लोगों को एक और बात बोलना है। मैंने एक बार, आप लोग को याद है कि नहीं, मैंने बोला था कि मैंने म्यूटू को हराया था और मेरे को मिला था म्यूटोनाइट। तो म्यूटोनाइट वाई मैंने यहाँ पे म्यूटू में लगा दिया है। पूरे वीडियो के एंडिंग में ये एग मिलने के बाद, मेरे को इन लोग का एग मिलने के बाद, मैं उसका आपको मेगा एवोल्यूशन भी दिखा दूंगा दोस्तों। पैम 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 पैम, जो थोड़ा ही देर बाकी है, अभी मिलता हूँ। प्रॉबेबली इन दोनों का रेड हो जाएगा और ब्रीडिंग हो जाएगा आई गेस। सो लेट अस सी कितना देर लगता है। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से ये भी बोलना भूल गया कि मैंने यहाँ पे और भी एक्सपेंड कर दिया है। यहाँ पे और पोकीमोन्स मैंने नहीं रखा है। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन से पोकीमोन्स रखूँ, तो उसके हिसाब से ब्लॉक्स बना के यहाँ पे ब्रीडिंग कर दूंगा आप लोगों को। कैसे भी मैंने दिखाया कि एक ऑलरेडी दिखाया कि कैसे करते हैं ब्रीडिंग यहाँ पे। सो या दैट इज ऑल। बस वेट कर रहा हूँ अभी चैरिजेड का भी जो हार्ट येल्लो है वो रेड हो जाए, बस वो इसी के लिए वेट कर रहा हूँ। चैरिजेड का क्या बोलते हैं, नेचर के हिसाब से भी, पोकीमोन का नेचर के हिसाब से भी ये होता है दोस्तों, इन लोगों का ब्रीडिंग फास्ट होना है कि स्लो। तो चैरिजेड का प्रोबेबली नेचर थोड़ा क्या टिमिड या फिर एंग्री ऐसा कुछ है शायद, इसके वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे कि देख सकते हैं अभी दिखाऊंगा, सेप्टाइल लव चैरिजेड एज मच एज पॉसिबल करके आ रहा है, लेकिन चैरिजेड का आएगा चैरिजेड इज मोर अट्रैक्टेड टू सेप्टाइल एवरी डे, अट्रैक्टेड ही आएगा। लेकिन सेप्टाइल का आता है मैड इन लव। सो हाँ, तो नेचर के हिसाब से भी रहता है, इमोशंस के हिसाब से भी। तो यह बहुत टाइम लगने वाला, अभी रेड येल्लो से रेड बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। आप लोग सोच रहे हैं कि तो एक ही तो है, सो या फिर भी बहुत टाइम लगता है। सो आई मीट यू गाइस, जैसे ही ख़त्म होगा तभी मीट करता हूँ, आई मीन मिलता हूँ आप लोगों से। आप लोगों के लिए तो एक सेकेंड ही होगा, मेरे लिए बहुत बहुत सारे घंटे मैं बिता रहा हूँ यहाँ पे। सो ऑल राइट गाइस, मेरे को लगता है कि ये प्रोसेस ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं चैरिजेड के ऊपर अभी कुछ यू नो हार्ट शेप्स कुछ नहीं देख पा रहा हूँ मैं। इसका मतलब मेरे को लगता है कि हो गया। ये देखिए, मेरे को एक भी दिख रहा है यहाँ पे। ऑल राइट, लेट अस टेक दिस एग, क्लेम एग। यस, मेरा पार्टी फुल है, उसलिए मेरा एग जो है वो चला गया है पीसी में। चलिए पीसी जाके चेक करते हैं। तो फाइनली तो ब्लू से येल्लो से रेड होने के लिए इसको एक्चुअली 20 मिनट्स लग गए। सो ये है एग। तो ये एग जो है, मैं जितने स्टेप्स चलूँगा उसके हिसाब से वो टूटता है। मेरे को भी पता नहीं कैसे कितने स्टेप्स चलने हैं, वो मेरे को पूछना पड़ेगा। वो तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यू नो बहुत ही देर चलना पड़ता है। अगर हो सके तो मैं डायरेक्ट किसी और वीडियो में आप लोग को दिखा दूंगा कि कौन सा पोकेमोन आया था उसमें से, या फिर इंक्लूड कर दूंगा उसमें कुछ वीडियो निकाल के। सो ऑलराइट, सो एज ए प्रॉमिस, तो ये रहा मेरा ब्रीडिंग फार्म, यहाँ पे बना दिया है। सिर्फ दो ही रोज में बनाऊंगा। सो ये हो गया है पूरा कंप्लीटेड मेरा ब्रीडिंग एक सेट का। ऑलराइट, तो ऊपर जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये है मेगा, ये तो है नॉर्मल म्यूटू। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेगा एवोल्यूशन दोस्तों। तो ये हो रहा है मेगा एवोल्यूशन, मेगा म्यूट्यू। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ओ माय गॉड, कैसे दिखता है मेरे को भी याद नहीं। ओ भाई साहब, ये तो पूरी तरह ही चेंज हो गया भाई साहब, सच में पूरी तरह ही चेंज हो गया ये तो। अरे, अगर आप लोग का आज का एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड राइट, इफ यू न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप ए लाइक एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल। आई विल मीट यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल जी। ऑल राइट, एंड रिमेंबर, इफ यू आर नॉट स्माइलिंग देन यू आर डूइंग इट रॉन्ग। और रिमेंबर गाइस, 29 रुपीज का मेंबरशिप स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट है ऑलरेडी। 29 रुपीज से स्टार्ट है मेंबरशिप। तो स्पेशल अटेंशन, स्पेशल पर्क्स के लिए आप लोग चाहिए तो मेंबरशिप चेकआउट कर सकते हो। सारे लिंक्स मेरे चैनल के ऊपर ज्वाइन करके एक बटन है, वही है मेंबरशिप का। ऑलराइट, सो या एंड रिमेंबर, इफ यू आर नॉट स्माइलिंग देन यू आर डूइंग इट रॉन्ग। आई विल बी लॉगिंग आउट नाउ। पीस गाइस।